सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। आईपीएल के 11वें सीजन के 49 मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही केकेआर के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। वहीं राजस्थान के सामने बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। कोलकाता ने पहले गेंदबाजी करते हुए राजस्थान को अच्छी शुरुआत के बाद भी 19 ओवर में 142 रनों पर ही ढेर कर दिया। कोलकाता की जीत में अहम भूमिका निभाई बाएं हाथ के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव। कुलदीप के अलावा आंद्रे रसेल और प्रशीत कृष्णा ने भी शानदार गेंदबाजी की। मेजबान टीम ने इस आसान से लक्ष्य को 18 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कोलकाता के लिए क्रिस लिन ने 45 रन बनाए। कप्तान दिनेश कार्तिक ने नाबाद 37 रनों की पारी खेली। सुनील नरेन ने सिर्फ 7 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 21 रन बनाए। ये सभी रन उन्होंने पहले ही ओवर में बना डाले। इससे पहले राजस्थान के बल्लेबाज अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके। राजस्थान ने अपना पहला विकेट 63 रनों पर खोया था, लेकिन बाकी के 9 विकेट वो सिर्फ 79 रनों के भीतर ही खो बैठी। अगर आप आईपीएल के फैन हैं और आईपीएल 2018 की टीम और उनसे जुड़ी हर ताज़ा और मजेदार खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आईपीएल 2018 से जुड़ी हर ताज़ा और मजेदार खबर आपको सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।